सरफेस कितने होते हैं? सरफेस तीन होते हैं। हेलो, आवाज मिल रही है ना? पीडीएफ यस सर, करके सर, पीडीएफ करके, पीडीएफ कुछ चेंज तो कर दीजिए करके ना सर, कर हम सकते लोग क्या रिफरेंस लेंगे सर, सर हम लोग के आवाज पास आ रही रिफरेंस है, देने के लिए कुछ है ही आवाज आ रही नहीं। है आपकी, कैमरा रोटेट कर रहा है, समझ में नहीं आता सर, पीडीएफ भेज दिया करें आप, कुछ तो भेज दीजिए सर, हम लोग किस में से देखेंगे अभी। नहीं तो अब बात सर ऐसा, पीपीटी से पढ़ाइए सर। हम लोग को आता नहीं वो सब चीज अभी, सीख रहे हैं, तो बच्चा लोग को बुलाया है, बच्चा लोग बता रहा है, इंशाल्लाह एक दो ये हफ्ता प्रॉब्लम रहेगा, इस हफ्ते के बाद आपका कोई प्रॉब्लम नहीं सर इस रहेगा। हफ्ता क्लास छुट्टी कर दीजिए सर, ये बता, एक हफ्ता छुट्टी कर दीजिए, नेक्स्ट 1 वीक के लिए छुट्टी नेक्स्ट कर दीजिए सर। नेक्स्ट छुट्टी दे यार। हाँ ठीक, हेलो, हाँ चलिए, सरफेस जी सरफेस ऑफ बता रहे फॉल्ट थे लेते वो, सर, सरफेस, हाँ सरफेस सरफेस, ऑफ फॉल्ट सरफेस कितने होते हैं? हम हार्ट कल में भी सर सच्चे के तीन होते हैं, पहला सफा सर। देखो, पहला होता है सतह मुकद्दम, इसी को हम सतह कस्बी जिल ही भी कहते हैं, सतह मुकद्दम, सतह कस्बी जिली। दूसरा होता है सतह जीरी, सतह दियाफरगमी, इसी को हम सतह दियाफरगमी भी कहते हैं, और तीसरा होता है सतही बाएं, सर दूसरा क्या होता है सर, फिर से मतलब दूसरा क्या होता है? सतह जीरी, जीरी जीरी मानते नीचे लोअर, सतह जीरी, या इसको हम सतह दियाफरगमी भी कहते हैं, यानी डायफ्राम के पास जो होता है उसको, वो उसको हम सतह दियाफरगमी भी कहते हैं। इंग्लिश में वो बोल रहा सर, सर इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में बोल दीजिएगा तो हम लोग लिख लेंगे सर, इंग्लिश थोड़ा क्योंकि में सर बहुत प्रॉब्लम अभी हो हम रही है, कोशिश क्योंकि वो डीप करते हैं, जा रहा है जहाँ सर, इंग्लिश टर्म होगा भी जा रहा हम है। इंग्लिश चूंकि हम लोग को ये है, चलिए ठीक है, कोशिश भी करेंगे, जहाँ तक होगा करेंगे। तो और थर्ड जो होता है सत्य बाएं, बाएं माने लिफ्ट होता है, तो जानते ही आप लोग हैं, सत्य बाएं, सत्य बाएं, सत्य बाएं होता है। बोलिए सर, आगे बोलिए सर, आगे बोलिए सर। आगे चलिए, पहला उसमें होता है अभी सत्य बाएं आगे मुकद्दम, बढ़ेंगे तब। हाँ, चलिए, पहला होता है सत्य मुकद्दम, मुकद्दम, मुकद्दम मीन्स क्या होता है, मुकदम मुकद्दम है? आगे 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 इंटीरियर, मुकद्दम मीन्स, हाँ आगे, चलिए फ्रंट ठीक है, माशाल्लाह आपने बहुत आगे, अच्छा, हाँ ठीक है, मुकदम बोले माशाल्लाह, तो मुकदम बोलो, इसका ज्यादातर हिस्सा, एक्सटर्नल कॉस्टल बोर्ड है सर। हाँ, इसका ज्यादातर हिस्सा दाएं उजले और बाएं बत्ते से बनता है, इसका ज्यादातर हिस्सा, ये जो सरफेस होता है, इसका ज्यादातर हिस्सा दाएं उजले और बाएं बत्ते से बनता है, और कुछ और बाकी कुछ हिस्सा बाएं बत्ते और बाएं उजले से मिलकर बनता है, समझ सर आप गए? जिस बुक से पढ़ा रहे हैं ना उसका पीडीएफ भेज दीजिए ना हम लोगों को ग्रुप में। अभी आप जो पढ़ रहे हैं पढ़ाइए, पढ़िए आप, तो बीच में अभी डिस्टर्ब मत पढ़ कीजिए, तो अभी पढ़ लीजिए, बाद में भेज देंगे, बाद आप हमसे बात कर लीजिए। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा सर, जो आप कुछ बोल भी रहे हैं समझ समझ में नहीं आ सर, रहा। क्या बोल रहे हैं, क्या पढ़ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे करने क्लास? अरे भाई भाई लोग जो कुछ पढ़ा रहे हैं सर पढ़ लो, जो कुछ सवाल है उर्दू आप पढ़ लो। पढ़ाने से पहले भेजा कीजिए सर नोट्स सर, विदाउट डायग्राम को कुछ अरे समझ में भेज कैसे है, देंगे, वो भेज भी एनाटॉमी देंगे, डायग्राम से पहले भी हम सीख रहे हैं, नहीं डायग्राम भी नहीं बनाने हो के लिए हम पाएगा, लोग सीख रहे हैं, एक दो दिन टाइम कुछ लगेगा, समझ इंशाल्लाह सब कर देंगे नहीं पड़ रहा जैसे है। बात। सर जैसे कि एनाटॉमी आप उर्दू में पढ़ा रहे हैं ना, तो उसको बगल में इंग्लिश भी होना चाहिए, ताकि जो इंग्लिश वाले पर्सन है वो उसको इजी हो जाए इंग्लिश को उर्दू में देखने में, उर्दू वाले को इंग्लिश में। और जो हिंदी बिल्कुल वाले सही रह है, गए, और जो हिंदी वाले रह गए, और जो अरबी वाले रह गए, उसका क्या होगा? तो एटलीस्ट तो उर्दू इंग्लिश वाले सबको क्लियर हो जाएगा सर, कहना ये है। हम कोशिश करेंगे, जहां तक होगा इंग्लिश बताएंगे, चलिए आगे चलिए, आज तक बीच में मत बोल, जो बोलना होगा या तो पहले बोल लीजिए या बाद में बोलिए आप लोग, आपको उर्दू में ही पढ़ना है, चलिए आगे चलिए। हाँ सत्य मुकदम, इसका सुनिए, इसका ज्यादातर हिस्सा दाएं उजने और बाएं उजने, उजने क्या जो हार
कल्प का चार हिस्सा होता है, चैम्बर होता है जिसको चैम्बर कहते हैं, तो दाया उज्ञ जो ऊपर वाला होता है उज्ञ होता है, और नीचे वाला होता है बत्न होता है। ऊपर वाले को हम उज्ञ कहते हैं, जिसको शायद ओरिकल कहा जाता है, और बत्न को वेंटिकल कहा जाता है, से बनता है। और बाकी कुछ हिस्सा बाय बत्न और बाय उज्ञ से मिलकर बनता है। इस सतह का ज्यादातर हिस्सा, इस सरफेस ज्यादातर हिस्सा रिया से छिपा होता है। रिया मीन्स फेफड़ा, लंच जो कहते हैं, इसका ज्यादातर हिस्सा रिया से छिपा होता है। लेकिन बाय रिया की, बाय रिया क्योंकि लंच भी दो होता है, फेफड़ा भी दो होता है, लंच दो होता है, एक दाएं एक बाएं होता है। लेकिन बाय रिया मीन्स फेफड़ा की कार्डिक नोट के पास, कार्डिक नोट जो होता है, कार्डिक नोट जो होता है के पास थोड़ा हिस्सा खुला हुआ होता है, उसका थोड़ा सा हिस्सा वहां पे ओपन होता है, खुला होता है। चलिए नेक्स्ट, सफेद दियाफरगमी, नेक्स्ट जो बताए थे सफेद दियाफरगमी यानी सफेद जीरी या सफेद दियाफरगमी, ये दियाफरगमा के मरकजी रिबात यानी सेंट्रल टेंडन, दियाफरगमा के मरकजी रिबात सेंट्रल टेंडन से ढकी हुई होती है, छिपी हुई होती है। जीरी सतह जो होता है, ये सतह दियाफरगमा के मरकजी रिबात यानी सेंट्रल टेंडन से छिपी होती है, और इसका दो तिहाई टूटा हिस्सा, इसका दो तिहाई हिस्सा टूटा हिस्सा बाएं बतने के जरिया, बाएं बतने के जरिया और दाया हिस्सा वन थर्ड हिस्सा दाएं बतने से बनता है। यानी ये मिला के वो उसका जो सतह बनता है, वो दोनों मिलाकर वो उसका सतह बनता है। इस सत्ता पर मुखर मेजाब बैनुल बतनैन मौजूद होती है। इस सत्ता पर मुखर मेजाब बैनुल बतनैन मौजूद होती है, जो कि नीचे और थोड़ा पीछे के जानिब मौजूद होता है। इस सत्ता पर मुखर मेजाब बैनुल बतनैन मौजूद होती है, जो कि नीचे और थोड़ा पीछे के जानिब होता है। थर्ड सत्य बाएं इसका ज्यादातर हिस्सा रिपीट कर दीजिए सर। अच्छा ठीक है, बैनुल बतनैन का मतलब सर? हाँ ठीक है, पूरा रिपीट कर देते हैं, ये अच्छी बात है। जहाँ नहीं समझ आए वो बोलिए, हम रिपीट कर देंगे दो बार तीन बार। बैनुल बतनैन का मतलब, हाँ जीरी सतह, हाँ जो बताया सतह दियाफरगमी, सतह में सरफेस हो गया दियाफरगमा, डायफ्राम को कहते हैं। ये दियाफरगमा के मरकजी रिबात यानी सेंट्रल टेंडन से ढकी हुई होती है, छिपी हुई होती है, और इसका बाएं दो तिहाई हिस्सा टूटा हिस्सा बाएं बतने के जरिया और दाया वन थर्ड हिस्सा दाएं बतने से बनता है। इस सत्ता पर मुखर मेजाब बैनुल बतनैन मौजूद होती है। जो के नीचे और थोड़ा पीछे के जानिब होता है, जो थोड़ा सा नीचे और थोड़ा बतनैन का मतलब सर? एक डाउट है सर, मुखर मेजाब क्या होता है सर? मेजाब उसको कहते हैं, ग्रुप को कहते हैं, ग्रुप सर। मुखर मिजाज बैनुल फतनैन का मतलब समझ नहीं आ रहा भाई, आप उर्दू जानते ही नहीं तो क्या बताऊं आपको सर, समझाइए। ठीक है समझाते हैं, उर्दू में जो आप बता रहे हैं एक दो इंग्लिश टर्म यूज करिएगा ना, तो हम लोग पकड़ लेंगे आप क्या बोलना चाह रहे हैं सर। बिल्कुल सर, नहीं आए सर, हम लोग सिर्फ उर्दू पढ़ के आए, सब्जेक्ट पर है, बायोलॉजी उर्दू में नहीं पढ़ के आए सर, इसीलिए प्रॉब्लम होगी हम लोग को। लेकिन आपका उर्दू पढ़े थे 10 तक सर, उसके बाद देखे नहीं है वो, तो थोड़ा बायोलॉजी वो भी सर उर्दू है ना, बायोलॉजी में नहीं पढ़े, उर्दू एक सब्जेक्ट है। हम लोग भी आपकी मजबूरी, आपकी क्या प्रॉब्लम है वो हम लोग महसूस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि महसूस नहीं कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है सर। जैसे हम लोग उर्दू में थोड़ा आए हैं ना सर, आप थोड़ा इंग्लिश में आइए ना, टर्मिनोलॉजी में हम लोग पकड़ लेंगे कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर,
मौखर को पोस्टेरियर कहा जाता है, मौखर में पोस्टेरियर हो गया है ना सर। पहले आप ये लिखा दीजिए सर कि इसको इंग्लिश में उर्दू में क्या बोलते हैं, उर्दू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो फिर हम लिख लेंगे तो आसान हो जाएगा। हाँ वो तो बहुत सही, तो आप जो टर्मोलॉजी होती है वो अगर आप देख लेंगे पढ़ लेंगे तो फिर मुखद्दर मुकद्दम सब आपको समझ में आ जाएगा। नहीं ना हमारे पास अभी सर ऐसा कीजिए ना, आप एक नोट्स बनाइए ना जिसमें उर्दू हो साथ में इंग्लिश भी हो, और हम लोग पहले फोटो ही भेज दीजिए ताकि आपको भी इजी हो, हम लोग को भी इजी हो पढ़ने में, और आपको पढ़ाने में भी कोई दिक्कत का सामना ना करना हो। हाँ अगर हमको कोई दिक्कत नहीं होती, दिक्कत आप लोग को हो रही लैंग्वेज इंग्लिश पढ़ाई हमको तो भी दिक्कत नहीं होगी सर आपकी तरफ। आप तो इंग्लिश हम उर्दू में जा रहे हैं भले आप बोले इंग्लिश, अच्छा मदरसा के स्टूडेंट बोलेंगे कि हमको उर्दू पढ़ाइए, अरे मदरसा के सर तो यहाँ इंग्लिश इंग्लिश वाले स्टूडेंट है ना, उर्दू वाले को भी दिक्कत नहीं हो रही है। सर आप मिक्स पढ़ा दीजिए ना सर, हो जाएगा एडजस्ट। कुछ नहीं, एक दिन पहले सर कल का नोट आज सामने भेज दीजिए। कल हमारा क्लास नहीं है, कल परसों हमारा क्लास नहीं है, कल सेप्टिक आजम सर का एक रोज पहले एक दिन पहले भेजिएगा। ठीक है, दो दिन पहले भेज दिया। ठीक ठीक है इंशाल्लाह। चलिए हाँ, मुआखर उनसे पोस्टेरियर मिजाज हो गया ग्रुप को, बैनुल बतनैन बैनुल मुआखर मिजाज बैनुल बतनैन कहते हैं मुआखर में, इसको पोस्टेरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप हो गया इसका, इसका अंग्रेजी हो गया पोस्टेरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप, मुआखर मिजाज बैनुल बतनैन का इंग्लिश हो गया पोस्टेरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप हो गया। क्लियर हो गया? हाँ, मौजूद होती है जो कि नीचे और थोड़ा पीछे जाने होता है। चल अब नेक्स्ट है बाएं सत्ता, बाएं बाएं दाएं तो समझते ही है कि इसको भी समझाना पड़ेगा आपको। हाँ इसका ज्यादातर हिस्सा बाएं जो सरपंच होता है सतह होता है, इसका ज्यादातर हमको तो आप लोग हाँसी आती है सर। हम लोग रोके ही हैं। चलिए ठीक है, चलिए इतना एक हफ्ता हम लोग आपस में एडजस्ट कर सकते हैं। एक हफ्ता आइए सर, मस्त आइए, खुल के हंस रहे हैं, अच्छा लग रहा है हंस रहे हैं, चल रहा है इसका ज्यादातर हिस्सा बाय बतने के जरिया बगता है, बत्न का सीधा जान ली बाई वेंटिकल को बत्न कहता है, उस दिन जो कहा जाता है और उसको कहता है बत्न वेंटिकल और ओरिकल, उस दिन हो गया ओरिकल और बत्न वेंटिकल हो गया। हाँ तो इसका ज्यादातर हिस्सा बाएं बत्न के जरिया बनता है और इसका ऊपरी हिस्सा बाएं उजने के जरिया बनता है, इसका ऊपरी हिस्सा बाएं उजने के जरिया बनता है, इस सतह के ऊपरी हिस्सा में इस सतह के ऊपरी हिस्से में मिजाब अकलीली मौजूद होता है, इस सतह के ऊपरी हिस्सा में मिजाब अकलीली अकलीली सर अकेली कॉर्डरी सेल्सस कॉर्डरी ग्रुप भी कह सकते हैं, मिजाब अकेली मेजाब को कोई कमेंट निजात कर रहा है, चेल्सियस कहते हैं, चेल्सियस कहते हैं या ग्रुप भी कहते हैं।
खत्ते बाएं का इसका ज्यादातर हिस्सा बाएं बत्न जरिया बनता है और इसका ऊपरी हिस्सा बाएं उंगली जरिया बनता है। इस सतह के ऊपरी हिस्से में कॉर्नरी सेल्सस मिजाब अकीली मौजूद होता है। अब आइए मिजाब के बारे में जान लीजिए, ग्रुप मिजाब या सेल्सस जिसको कहते हैं ग्रुप मिजाब के बारे में जान लीजिए। हार्ट में कल में कुछ मिजाब पाए जाते हैं, कौन कौन मिजाब पाए जाते हैं हार्ट में, कौन कौन से ग्रुप पाए जाते हैं। नंबर एक कल्ब में मिजाब पाए जाते हैं। नंबर एक मिजाब उजनी बतनी, मिजाब उजनी बतनी, मिजाब उजनी। नंबर दो मिजाब बैनुल उजनैन, मिजाब बैनुल उजनैन। नंबर थर्ड मुकद्दम मिजाब बैनुल बतनै। सर दूसरा नंबर पे क्या बोले सर? देख पहला भी सुन मिला लीजिए, मिजाब उजली बतनी। नंबर दो में है मिजाब बैनुल उजनैन, बैनुल उजनैन। नंबर तीन मिजाब, सर इसका इंग्लिश से बता दीजिए, ये अरबी उजनैन का अरबी मिजाब। टर्मिनोलॉजी का इंग्लिश थोड़ा बता दीजिए, मिजाब उजनल बतली। बैन में होता है बिटवीन, आप लिख लीजिए उसको बताएंगे। बैन का मतलब होता है बिटवीन। नंबर थर्ड उजनल का मतलब होता है थर्ड वाला के माने, एयर के माने। हां नंबर थर्ड वाला मुकद्दम मिजाब बैनुल बतनै, मुकद्दम ये मुकद्दम बढ़ जाएगा, मुकद्दम मिजाब। हाँ हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा। चलिए और फोर्थ है जी सर मुकद्दम मिजाज बैनुल बतनैन, मिजाब बैनुल बतनैन, मुकद्दम मिजाब बैनुल बतनैन। मुकद्दम मीम काफ दाल भी मुकद्दम मिजाब बैनुल बतनैन। नंबर फोर बतनैन, नंबर फोर मुखर मिजाब बैनुल बतनैन, वो मुकद्दम था ये मुखर मिजाब बैनुल बतनैन। जी सर इसे मुखर हो जाएगा सिर्फ है ना, इसे मुखर है। हाँ हाँ ठीक सर। एक मिनट, चेंबर ऑफ हार्ट पढ़ा रहे हैं या फिर बॉर्डर ऑफ हार्ट पढ़ा रहे हैं सर? ये हार्ट चेंबर नहीं पढ़ा रहे, चेंबर के बाद सर इसके चेंबर जो होता है उसके बाद बताएंगे। ग्रुप से बताएंगे सर जी जी, ग्रुप्स बता दो सर। नंबर एक बेबी नोड बंडल है, नॉर्मल क्वेश्चन जानना होगा ना। हाँ नंबर एक मिजाब उजनी बतनी, ये मिजाब उज्न को अरिकल को दोनों बतन से अलहदा करता है। ये मिजाब नंबर एक वाले मिजाब उजनी बतनी ये को दोनों बतन के अलावा करता है। सर रिपीट कर दीजिए फिर से, दोनों बतन को अलादा करता है, दोनों बतन से अलादा करता है। ये मिजाब उज्न को दोनों बतन से अलादा करता है। अच्छा उज्न को मिजाब उज्न को दोनों म्यूट हो जाइए, दोनों बतन को अलादा करता है। भाई तुम दोनों म्यूट हो जाओ, बोलने दो यार, आप लोग खामोश हो। अरे सर जो बोल रहे वही हम भी बोल रहे हैं यार। भाई आप नहीं बोले ना, नहीं बोलेंगे सर, पढ़ा रहे आप थोड़ी कम देंगे। बोलो दो बार तीन बार बता देंगे आपको, ऐसा क्यों आप लोग नहीं बोलिए। चलिए मिजाब उजनी बतनी, ये मिजाब उज्न को दोनों बतन से अलहदा करता है। ये गोलाई में मौजूद रहता है, ये गोल शक्ल में मौजूद होता है, ये गोल शक्ल में या गोलाई में मौजूद होता है। इसके सामने की जानी सिरियान साद यानी एसेंडिंग अरोटा, सिरियान साद इसके सामने की जानी एसेंडिंग अरोटा, सिरियान साद
और सीरियन रिया पल्मोनरी ट्रंक के जरिए ये छिपा हुआ होता है या ढका हुआ होता है। इसके सामने के जानिब एसेंडिंग अरोटा सीरियन साद और पल्मोनरी सीरियन रिया के जरिए छिपा हुआ होता है या ढका हुआ होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट मुकद्दम मिजाज बैनुल उजनैन, दूसरा मुकद्दम मिजाज बैनुल उजनैन ये पीछे की जानिब नुमाया नहीं होता है, नुमाया मतलब दिखाई देने वाला यानी प्रॉम्प्ट यानी जो दिखाई दे वो नहीं होता। ये पीछे की जानिब नुमाया नहीं होता है, मतलब तो जो दिखाई दे उभरा हुआ यानी ये उभरा हुआ नहीं होता। और उसके और आगे की जानिब अवर्ता यानी अरोटा अवर्ता अरोटा और सीरियन रिया पल्मोनरी ट्रंक के जरिए ये छिपा हुआ ढका हुआ होता है। और आगे के जानिब अरोटा को उर्दू में अवर्ता अवर्ता और सीरियन रिया पल्मोनरी ट्रंक के जरिए ये छिपा हुआ होता है। ये दोनों उजने को अलहदा करता है, ये दोनों आर्टिकल को सेपरेट करता है, ये दोनों उजने को अलहदा करता है। चलिए नेक्स्ट मुकद्दम मिजाज बैनुल ठीक साइलेंट बताते दो नंबर दो मुकद्दम मिजाज सॉरी मुकद्दम मिजाज बैनुल उजनैन ये पीछे की जानिब नुमाया नहीं होता है यानी उभरा हुआ नहीं होता है। नुमाया मीन्स उभरा हुआ, ये पीछे की जानिब उभरा हुआ नहीं होता है। और आगे के जानिब ये पीछे के जानिब नुमाया नहीं होता है और आगे के जानिब अवर्ता अरोटा और सीरियन रिया पल्मोनरी ट्रंक के जरिए छिपा हुआ होता है। और ये अवर्ता और सीरियन रिया के जरिए छिपा हुआ होता है, ये दोनों इज्द को एक दूर अलहदा करता है, ये दोनों उज्द को अरिकल को अलहदा करता है सेपरेट करता है। नंबर थर्ड मुकद्दम मिजाज बैनुल बतनैन मुकद्दम मिजाज बैनुल बतनैन ये सामने की जानिब दिल के बाएं किनारे हार्ट के बाएं किनारे के करीब ये सामने के जानिब दिल के बाएं किनारे के करीब होता है। ये सामने की जानिब दिल के बाएं किनारे के करीब होता है जो नीचे और बाएं जानिब जाकर कल्ब के नोक के पास नीचे किनारे पर दोनों मिजाज बैनुल उजनैन आपस में मिल जाते हैं। जो नीचे और बाएं जानिब जाकर कल्ब के एपेक्स या नोक के पास निचले किनारे पर दोनों मिजाज बैनुल उजनैन आपस में मिल जाते हैं। मुखर मिजाज बैनुल बतनैन ये कल्ब की दियाफ्रगमा सतह पर मौजूद होता है। फोर्थ मुखर मिजाज बैनुल बतनैन सर आगे भी पढ़ाइए ना बता रहे हैं मुखर मिजाज बैनुल बतनैन ये कल्ब की दियाफ्रगमा सतह पर मौजूद होता है
ये मिजाज उस सतह के दाएं किनारे के करीब होता है। ये जो ग्रुप होता है उस सतह के दाएं किनारे के पास होता है या करीब होता है। ये आपका चारों हो गया ग्रुप। मुखर मिजाज बैन बतनी ये कल्ब की दिया परगमा सतह पर मौजूद होता है, डायफ्रेगमेटिक सरफेस पर मौजूद होता है। ये मिजाज उस सतह के ये ग्रुव उस सतह के दाएं किनारे के करीब होता है, ये दाएं किनारे के करीब होता है। सर एक क्वेश्चन है, एंटीरियर इंट्राविंट्रिकुलर सल्कस को जो है डिफाइन करिएगा सर जी। क्या बताए एंटीरियर? हेलो हाँ बोलिए। एंटीरियर इंट्राविंट्रिकुलर इंट्राविंट्रिकुलर सल्कस को थोड़ा डिफाइन करिएगा सर, इसको उर्दू में क्या बोलते हैं? मुकद्दम मिजाज बैनुल बतनैन, मुकद्दम मिजाज बैनुल बतनैन इंटीरियर वेंट्रिकुलर ग्रूव या सेल्सर। सर पोस्टीरियर क्या बोलते हैं फिर? मुअख्खर कह रहे हैं, पोस्टीरियर को मुअख्खर कहते हैं, पोस्टीरियर को मुअख्खर कहते हैं, मुअख्खर मीम वाव खे दे, पोस्टीरियर को हम मुअख्खर कहते हैं। सर आप थोड़ा धीरे धीरे बोलिएगा सर, लिख लेंगे सर। हाँ तो ठीक, और आज तक कर लेंगे। आपका कहीं पर छूटा है तो बताइए, अभी दो चार मिनट टाइम है। पहला वाला छूट गया सर, कुछ लिखे ही नहीं, कहाँ छूटेगा? अच्छा ठीक है, पहला कर देते हैं। ठीक है आप मिला लीजिए, हम पहला से हम रिपीट कर देते हैं आज शाम से। सर जितना थोड़ा है उसका फोटो जो है सर, फोटो खींच के ग्रुप पर भेज दीजिएगा सर, बुक से। ठीक है आप जितना आज पढ़ा है उसका फोटो ग्रुप पे भेज दीजिएगा। सल्कस ग्रुप को डिफाइन करिएगा सर उर्दू में, जो अरबी में बोल रहे थे आप एक मिनट। अभी तो ग्रुप हम बता रहे हैं, ग्रुप से मतलब ग्रुप समझते है किसको कहते हैं? ग्रुप का मतलब समझते है? ग्रुप का मतलब होता है वो कि किसी भी चीज में जो नाली होता है या ट्यूब गहरा जो होता है, लंबा होता है, और गड्ढा सिंपल लैंग्वेज में गड्ढा होता है सर, गहरा होता है, वो हम ग्रुप कहते हैं जी। ग्रुप के मतलब उसी के ऊपर बनी लग रही है सर, लंबा और थोड़ा लॉन्ग एंड डीप, हल्का सा नाली नुमा यानी ट्यूब टाइप ऊपर कटा हुआ है सर, ट्यूब टाइप। सर डायग्राम भी नहीं ना देख रहे हैं कि हम समझ ले बढ़िया से, मुश्किल हो जाएगा बाद में एग्जाम का। कुछ नहीं होगा, अगर आप इंटरेस्टेड है तो कोई मुश्किल नहीं इंसान के लिए, इंसान मुश्किल की बात ही मत कीजिए। सर लेकिन उर्दू से डर लगता है सर, उर्दू में आप सुनिए, देखिए बात ऐसा है कि उर्दू ही यहाँ पर का बेस है, यहाँ आपको सर फिर डायसेक्शन कैसे होगा सर? ये सर पेशेंट को इतना उर्दू बोलेंगे तो पेशेंट भाग जाएगा। सुनिए भैया देखिए, अगर हम अपनी ही तहजीब को छोड़ देंगे, हम ही नमाज पढ़ना छोड़ देंगे तो क्या होगा? अपनी तहजीब अपनी उर्दू को हम ही छोड़ देंगे तो मतलब हिकमत में तो उर्दू ही मेन है आपको। सर लेकिन सर आपको जमाने के लिए चलना नहीं पड़ेगा ना सर, बहुत परेशानी हो जाएगी हमको सर, पूरा कंफ्यूजन नहीं है सर। सर हम लोग को नफिल सर भी पढ़ाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। एज अ यूनानी मेडिकल स्टूडेंट वी वांट टू इंप्रूव आवरसेल्फ। नसीब साहब वो की बात छोड़िए आप, हमारी बात चलिए, दूसरे की बात हम जी सर नसीब की बात की हम कर रहे हैं, मुश्किल हो जाएगी सर। सर एक काम करें सर, आज और कल उसका फोटो ग्रुप पे याद से भेज दीजिए। बोलिए एक काम करें सर, आप ग्रुप में छोड़ दें, भेज दीजिए।
आप जो है जो पढ़ा रहे हैं उसको पीपीटी फॉर्म में शेयर कीजिए, हम उसको रीडिंग टर्मिनोलॉजी है ना उसको लिखवा दीजिए सर वहाँ पे इंग्लिश के साथ। रिपीट कीजिए किनका छुट्टा हुआ सर, कल क्लास से पहले पहला किनका छोटा हुआ नोट कीजिए मेरा भेजना पीडीएफ भेजना देख लेना सब। हाँ पहला पर मेजाब उजनी बतनी, मेजाब उजनी बतनी, ये मेजाब उजनी को, ये मेजाब उजनी को दोनों बतनी से अलहदा करता है, ये मिजाब उज्र को दोनों बतनी से अलहदा करता है, ये गोलाई में मौजूद होता है या गोल टैक का होता है, ये गोलाई में मौजूद होता है, इसके सामने के जानिब, इसके सामने के जानिब सिरिया निसाद असेंडिंग अरोका, इसके सामने के जानिब सिरिया निसाद असेंडिंग अरोका और पलमरी टंक सिरियान एरिया के जरिया ये ढका हुआ होता है या छिपा हुआ होता है सामने के जानिब एसेंडिंग अरोटा, उसका उर्दू में सिरियान साद, सिरियान साद, सिरियान साद और सिरियान एरिया के जरिया छिपा होता है। अल्लाह हाफिज़ सर, अल्लाह हाफिज़। सिरियान सिरियान साद के जरिया छुपा होता है सर, वक्त हो गया सर, इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे सीरिया। हाँ कल आप इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, सीरिया फिलिस्तीन जी। सर जितना पढ़ाया सर उसका फोटो भेज दीजिए ग्रुप में याद से सर। सर कल सर बोर्ड सर कल की क्लास में भेज देंगे सर, बिना चाहिएगा। सुनिए ना सर, चलती है अकेली का माने क्या बोले सर? क्या अकेली जैसवन मारे क्या बोल रहा सर? अकेली के बारे में बोले, हम नहीं समझ पा रहे आप क्या कह रहे सर। हेलो, हाँ हेलो, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हेलो अकेली के मारे, अकेली के सर जी पता है कोरोनरी सर्कस क्या बोले सर? हाँ मिजाज अकेली के बारे में बताइए सर। मिजाज मिजाब भी मीन से मिजाब मीन से ग्रुप होगा, अकेली कोरोनरी को कहते हैं, अकेली कोरोनरी होगा, कोरोनरी सर्कस। हाँ कोरोनरी सर्कस या कोरोनरी ग्रुप, ग्रुप कह सकते हैं सर्कस। का उर्दू क्या? गड्ढा सर, गड्ढा गड्ढा। किसका उर्दू सर? एक बात बोलना सर, एक बात बोलना, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को अरबी या उर्दू में। अल्लाह हाफिज़ सर, अल्लाह हाफिज़ सर, अल्लाह हाफिज़। बोर्ड लाइए सर, तब आप घर पे बोर्ड ले आइए सर। हाँ बोर्ड बना के पढ़ाएंगे सर, सर बोर्ड पे पढ़ाइए, बोर्ड पे। हाँ सर, और एक कैमरा ले लीजिए, कैमरा एक ले लीजिए, मेहनत करना पड़ेगा।